Trinayani presents Mur murke na de Mur murke na de. Namaskar doston, main hu Ritika Sahni aur Trinayani ki taraf se aap sabko naye saal ki shubhkamnaen. हमें खुशी होती है कि विकलांगता के विषय पर जागरूकता पैदा करने के प्रयास में हमें सफलता मिल रही है। हमें बहुत खुशी है कि आज फिर हमारे स्टूडियो में डॉक्टर रुबीना लाल आई हैं और आज हमें उनसे ऑटिज्म, जो एक अलग विकलांगता है, विकलांगता की एक अवस्था है, उसके बारे में हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि ऑटिज्म एक ऐसी विकलांगता है जिसमें व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से संबंध बनाने में या उससे विचारों का आदान प्रदान करने में कठिनाई अनुभव करता है। इस पर डॉक्टर लाल रोशनी डालेंगी और कई वर्षों से स्पेशल एडुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही हैं, बड़ी पैशनेटली करती हैं, कमिटेड रूप से करती हैं। ऑटिज्म और मानसिक विकलांगता के विषय पर अनुसंधान और अध्ययन वे अभी भी नियमित रूप से करती रही हैं और हम जानते हैं कि करती रहेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लाल हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद रितिका। जैसे मैंने श्रोतागण को बताया कि आज हम ऑटिज्म के बारे में बात कर रहे थे और मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ कि ऑटिज्म एक ऐसी विकलांगता है जिससे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से संबंध बनाने या उससे विचारों का आदान प्रदान करने में कठिनाई अनुभव करता है। इस पर कुछ और रोशनी डालें डॉक्टर लाल। हाँ, ये आपने सही कहा कि ऑटिज्म से बाधित जो बच्चे होते हैं या जो वयस्क होते हैं उनमें खास ये लक्षण है कि उन्हें बातचीत में, आदान प्रदान में या उनके भाषा विकास में खास कमी दिखती है। उसके अलावा भी कई लक्षण होते हैं, वो अपने आप में बहुत ही, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं विड्रॉन होते हैं या अपने में ही मस्त होते हैं, किसी से बातचीत नहीं करना चाहते या किसी को देखना नहीं चाहते या कई चीज़ें उन्हें बहुत ही मुश्किल लगती हैं। अगर ज़ोर से आवाज़ हो तो वो कान बंद कर लेंगे या वैसी भी आवाज़ जो हमें ज़ोर की ना लगे लेकिन उन बच्चों को लगती है, और किसी चीज़ों को बार बार करना चाहेंगे या कई चीज़ों को बार बार बोलना चाहेंगे, ये सब उनके खास लक्षण है। या किसी तरह के खेल को या कोई एक्टिविटी हो उसको रिपीट करेंगे या कोई ऐसे तरह के भाव भंगिमा करेंगे जो बार बार एक ही जैसी हो, तो ये खास लक्षण होते हैं जो ऑटिज्म को दर्शाते हैं। डॉक्टर लाल, मनोविकास केंद्र नामक एक संस्थान है कलकत्ते में और वहाँ एक साल मैंने काम किया था और एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ भी काम किया था। उसकी एक आदत सी थी कि अपने सर को वो पीटता था और जब भी कोई उसे बात करने जाए तो मुड़ के बैठ जाता था दीवार की तरफ। क्योंकि मुझे वो बच्चा असाइन किया गया था, मैं उसके साथ रोज काम किया करती थी और इंटरेस्टिंगली 5-6 महीने के बाद उससे अगर कोई काम करवाना होता था तो मुझे ही बुलाया जाता था बिकॉज वो मेरे साथ घुल मिल गया था। तो ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा भी होता है। क्योंकि बच्चों को बेसिकली आप कहें तो ये नहीं ज्ञान होता है कि कौन है व्यक्ति, लेकिन उन्हें फिर लगता है कि उनके वातावरण में ये व्यक्ति उनके वातावरण का एक हिस्सा है, तो उस हिस्से को समझते हैं। जैसे कि हम एक शब्द जानते हैं टेम्पलेट, तो टेम्पलेट को कंप्लीट करने के लिए उसका हर एक हिस्सा होना चाहिए। तो इन बच्चों के दिमाग में एक टेम्पलेट सा बन जाता है, तो वो व्यक्ति हो या कोई फर्नीचर हो या कोई दूसरा सामान हो जो उसको कंप्लीट करने के लिए उस व्यक्ति का होना या उस फर्नीचर का होना या एक पर्टिकुलर किसी वस्तु का होना जरूरी है, और तब वो काम वो कंप्लीट करते हैं। डॉक्टर लाल, ऑटिज्म को अक्सर PDD के नाम से भी बुलाया जाता है, तो ये दोनों अवस्था अलग हैं या एक ही चीज़ है? PDD यानी परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जी। और चूंकि ऑटिज्म जब किसी बच्चे में होता है तो उसका चूंकि भाषा विकास कम रहता है या नहीं हो पाता या सामाजिक विकास नहीं हो पाता, इसके चलते उसके काफ़ी दूसरे विकास जो हैं वो भी बहुत, जिसको कहते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। उसके सारे विकास बच्चे के प्रभावित होते हैं इसके चलते। तो ऑटिज्म का एक दूसरा नाम भी है जिसका नाम है PDD। दो में फर्क नहीं है। ओके। और हमारे देश में इसकी क्या कुछ आंकड़े हैं कि कितने लोगों को ऑटिज्म है, कितने बच्चों में ऑटिज्म है या कितने वयस्क लोग को ऑटिज्म है? डू वी हैव एनी स्टैटिस्टिक्स? नहीं, हमारे देश में आज तक के समय तक तो कोई आंकड़े नहीं है, लेकिन मैं आंकड़े आपको दूं तो जो खास करके अमेरिका से आए हैं जी, तो कुछ साल पहले तक इसको कहते थे कि 4 या 5 बच्चे 10,000 बच्चों में 4 या 5 होते थे, लेकिन अभी के लेटेस्ट जो आंकड़े वहां से आ रहे हैं वो 91 बर्थ में एक बच्चा।
अच्छा, जो ऑटिस्टिक निकल रहा है, तो ये प्रेवलेंस बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि ऑटिज्म के बारे में जानकारी बहुत बढ़ गई है जी, और उसके चलते ज्यादा से ज्यादा माता पिता अपने बच्चे को लेकर आ रहे हैं जी, और हो सकता है कि कुछ ऐसे वातावरण में ऐसी चीजें हुई हैं जिसके चलते इस कंडीशन का या इस अवस्था का ज्यादा प्रभाव हो रहा है, दोनों चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑन दिस नोट वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगी विद सम मोर क्वेश्चंस फॉर डॉक्टर रुबीना लाल ऑन ऑटिज्म। त्रिनयनी प्रेजेंट्स मोर मोड़ के ना दे, मोर मोड़ के ना दे। वेलकम बैक, मैं हूँ रीतिका। त्रिनयनी द्वारा प्रस्तुत मुड़मुड़ के ना देख कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर रुबीना लाल से। डॉक्टर लाल, ऑटिज्म के बारे में सबसे पहले जानकारी कब प्राप्त हुई थी? एक्चुअली जब जी शुरू में बहुत साल 60 साल पहले जब भी ऑटिज्म के बारे में जानकारी हुई थी, उस समय इसको एक्चुअली चाइल्डहुड साइकोसिस ही कहते थे। अच्छा। मतलब एक जिसको मानसिक रोग समझते हैं वो कहते थे, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो लक्षण थे, जैसे बच्चा बहुत विड्रॉन हो, बातचीत ना करे, एक कोने में बैठा रहे, कुछ खेले नहीं, और फिर एकदम एक समान भाव भंगिमा करता रहे, और घर में अपने चारों समानता चाहे, लोगों से बात ना कर पाए और अटैक करे, इस तरह की बहुत सी जो लक्षण थे वो साइकोसिस के थे या सिज़ोफ्रेनिया के थे जी। तो उनको ऐसे ही माना जाता था पहले। अच्छा, सो इसको पहले एक मेंटल इलनेस या रोग कहा जाता था पहले, काफ़ी सालों पहले। तो ऑटिज्म कोई रोग नहीं है? रोग बिल्कुल नहीं, ये कंडीशन है। कंडीशन, और इसका किसी औषधि या चिकित्सा से इलाज नहीं हो सकता? नहीं, जैसे आप किसी रोग को किसी दवा दे करके आप ठीक कर सकते हैं, वैसा कोई दवा कोई नहीं बनी है। जैसा कि मैंने पहले मानसिक विकलांगता के बारे में कहा था कि कोई दवा नहीं बनी है जिससे कि ये बदल जाए और बच्चा या वयस्क बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उपचार ज़रूर है। डॉक्टर लाल, उपचार से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि व्हाट कॉजेज ऑटिज्म, ऑटिज्म आखिर क्यों होता है? ऑटिज्म क्यों होता है, इसके ऊपर तो अभी काफ़ी सारा काम चल रहा है, लेकिन इतना बहुत साफ है कि जो कारण जो मानसिक विकलांगता के हैं वो कारण ऑटिज्म के भी हो सकते हैं। उसके अलावा अनुवांशिक कारण भी हैं जिनके ऊपर अभी भी शोध कार्य चल रहे हैं। अच्छा, और बहुत ज़्यादा जानकारी इस बात की है कि किसी तरह की मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो या लेड पॉइजनिंग हो, उसके वजह से भी ऑटिज्म होता हो सकता है। ओके, और इसको किस तरह से डायग्नोस करते हैं ऑटिज्म को? ऑटिज्म जनरली बच्चों को 2.5 साल की उम्र में पता चलता है, जो कि बच्चा जब पैदा होता है उसमें ऑटिज्म पता नहीं चलता। अच्छा, और तो 2.5 साल 3 साल की उम्र में पहली बार ऑटिज्म के लक्षण दिखते हैं। तो उसके बाद ही उसका डायग्नोसिस हो सकता है, और कई तरह के हैं टेस्ट्स हैं जिससे हम बच्चे के में कितना ऑटिज्म है और क्या क्या प्रॉब्लम है ये हम पता लगा सकते हैं, और हम उसका तो ये अगर बच्चे को ऑटिज्म है पालकों को पता लग गया तो वो किस विशेषज्ञ के पास जाएंगे? शुरू में तो सभी पालक किसी डॉक्टर के पास ही जाते हैं जी, जनरल प्रैक्टिशनर या कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, और अगर चाइल्ड स्पेशलिस्ट को इसकी थोड़ी जानकारी होती है जी, तब वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं जहाँ पर ऑटिज्म टेस्ट होते हैं जी। और ऑटिज्म आपने जिस तरह से कहा कि उसका उसके उपचार है, निदान है, तो अगर एक पालक को पता लग गया है कि हाँ मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, उसके बाद क्या? अगर 2.5 साल 3 साल का बच्चा है तो उसमें सबसे पहले उसका अर्ली इंटरवेंशन जिसको कहते हैं जी, वो दिया जाता है, जिसमें कि बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, और चूँकि उनके भाषा विकास में कमी होती तो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी दी जाती है जी। उसके अलावा बच्चे को स्टिमुलेशन प्रोग्राम भी दिया जाता है जी, बच्चे दूसरे लोगों से हिल मिल सके, और इसमें खास प्रशिक्षण पिता माता पिता को दिया जाता है, ताकि वो जैसे नॉर्मल बच्चे को बच्चे से हिल मिलते हैं या खेलते हैं उस तरह से उस बच्चे के साथ नहीं खेल सकते जी। तो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से बच्चे को आप बिहेव करेंगे या उसके बच्चे साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे जी, जी। इसकी ट्रेनिंग माता पिता को दी जाती है, और साथ साथ में थेरेपी बच्चे को देते हैं। ये ट्रेनिंग और थेरेपी कहाँ मिलती है? बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र हैं जो स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ही, स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चे या बच्चे जहाँ पर विकलांग बच्चों को दिया जाता है जी, वहाँ ऐसे प्रशिक्षण मिलते हैं। डॉक्टर लाल, स्पेशल एडुकेशन में डिप्लोमा कोर्सेज हैं, मास्टर्स कोर्स हैं, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशली उसके लिए कोई कोर्स हमारे देश में प्रचलित है? अभी देखिए, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, वो पिछले 4-5 सालों से चल रहा है। अच्छा, हाँ, ये 1 साल का कोर्स है, ये डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, +2 क्वालिफिकेशन के बाद आप कर सकते हो जी।
तो एनजीओज भी कर रहे हैं और उसके डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट आता है वो माहे से आता है, मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हायर एजुकेशन। मैं चाहती हूँ कि आपके जो श्रोता हैं उन्हें याद दिला दूँ कि ऑटिज़म एक मानसिक अवस्था है जी, जिसमें जो बच्चा होता है उससे सामाजिक आदान प्रदान या भाषा के विकास में या कुछ व्यवहार की कमियाँ होती हैं, तो जिसके चलते ये जो अवस्था है बहुत उभर के सामने आती है और बच्चे के पूरे विकास में उसका प्रभाव पड़ता है जी। ऑटिज्म के क्या उपचार हो सकते हैं, निदान क्या हो सकता है? कई तरह के निदान अब तो बहुत शोधकार के चलते हम लोगों को बहुत तरीके मिल गए हैं जी, जिसका निदान करने को। विशेष शिक्षण तो है ही है, उसके अलावा हम अब समावेशित स्कूलों में भी इन्हें पढ़ाते हैं जी, और साथ साथ में बहुत ज़रूरी है कि इन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाए जी, और चूंकि भाषा विकास ज़रूरी होता है तो इसलिए स्पीच थेरेपी दी जाए या लैंग्वेज स्टिमुलेशन प्रोग्राम दी जाए जी, और साथ में परिवारजनों को एक तरह की जानकारी या प्रशिक्षण दिया जाए या गाइडेंस दिया जाए कि इन बच्चों को किस तरह से आप पाल पोस कर, जिस तरह से सही तरीके से जो तरीका होता है जिसके चलते ये बच्चे ठीक से समझ पाएं, वैसे स्ट्रैटेजीज यूज करें घर पर जी, ताकि बच्चे को मुश्किल ना हो आगे बढ़ने में जी। इसका मतलब इंक्लूसिव एडुकेशन संभव है विद ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। मैं एक बात बता दूं बहुत मुद्दे की है कि ऑटिज्म के कई प्रकार होते हैं जी, तो उसमें एक प्रकार होता है जो ऑटिज्म कहलाता है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, और एक होता है, चार या पांच प्रकार है, उसमें एक प्रकार होता है जिसको कहते हैं एस्पर्गर सिंड्रोम जी। नाउ ये जो ऑटिज्म या ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है उसमें 80% बच्चों में मानसिक विकलांगता हो सकती है। अच्छा, और जो एस्पर्गर सिंड्रोम है जी, उसमें तकरीबन सभी बच्चे चाहे तो उनके औसत उनकी IQ नॉर्मल है या नॉर्मल से ज्यादा है। तो ये सारे जो बच्चे हैं एस्पर्गर सिंड्रोम के वो हमेशा ही सम्मिलित स्कूलों में जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ब्राइट बच्चे होते हैं। डॉक्टर लाल, वेल नोन लोगों में किसको एस्पर्गर सिंड्रोम है, किसी का नाम ले सकती हैं आप? जीवित एग्जांपल मैं बिल गेट्स का दूंगी। अच्छा अच्छा, जिन्हें एस्पर्गर सिंड्रोम। लेकिन आप चार पांच प्रकार की बात कर रही, तो एक तो ऑटिस्टिक हो गया, एक एस्पर्गर सिंड्रोम हो गया, और एक है रेट सिंड्रोम जी, एक है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर जी, देन है एक PDD-NOS, अच्छा, दिस परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। रेट सिंड्रोम बिल्कुल अनुवांशिक कंडीशन है, जेनेटिक है। ओके, एक बात हम श्रोतागण को बता दें कि डॉक्टर लाल बार बार ये कह रही हैं कि अभी भी रिसर्च चल रहा है ऑटिज्म के क्षेत्र में, ऑटिज्म के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए रिसर्च अभी भी चल रहा है। ऑटिज्म या एस्पर्गर सिंड्रोम से बाधित जो बच्चे हैं या वयस्क हैं वो क्या आमतौर की जिंदगी, सामान्य जिंदगी व्यतीत करते हैं? ये बहुत कुछ निर्भर करता है उनके फंक्शनिंग लेवल पर भी जी, और मैं ये भी कहूँगी कि ये हमें सोच लेना चाहिए कि आम तौर की ज़िंदगी क्या है। लेकिन अगर आप कहें कि हाँ अपने अपने नेबरहुड में मिलना जुलना, अपने घर में जब लोग आएँ उनसे बातचीत करना या उनके लिए कुछ करना या सही तरीके से किसी फंक्शन में जाना और वहाँ अच्छी तरह से व्यवहार करना या अंदर शॉपिंग में जाना, ये सब चीज़ें अगर हम सामान्य जीवन का इसका इन्हें हिस्सा माने तो हाँ करते हैं, सब बच्चे करते हैं और सभी वयस्क जो उसमें हो गए हैं वो सब करते हैं। अपनी विकलांगता को मद्देनजर रखते हुए हर इंसान जो कर सकता है वो करता है, कुछ सुविधाएं असुविधाएं रहती हैं और उसको वो कभी कभी पार कर लेता है, कभी नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश जरूर करता है कि मैं भी कमाऊं, मैं भी पिक्चर देखने जाऊं, मैं भी डांस करने जाऊं या म्यूजिक सुनूं। बिल्कुल सही, क्योंकि ऐसे ऑटिस्टिक जो लोग हैं उन्हें भी मन में, आफ्टर ऑल आप जानती हैं कि वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं जी, और जैसे ह्यूमन बीइंग्स को सभी लोगों को ये आकांक्षा होती है कुछ करने की, वो उनके दिल में भी है और वो भी करते हैं अपनी तरह से, और कई बार अपनी तरह से करते हैं और लोग नहीं समझते कि वो अपने खुशियां जाहिर कर रहे हैं या अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। ये हमारे समझने की कमी है कि हम उनकी ये भाषा नहीं समझ पाते, लेकिन वो वही चीजें कर रहे हैं जो हम भी करते हैं, लेकिन हम दूसरे तरीके से करते हैं, एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। डॉक्टर लाल, बहुत कुछ जानने को मिला आपसे ऑटिज्म के बारे में, बड़ी गंभीर रूप से आप इससे जुड़ी हुई हैं और रिसर्च कर रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस शो। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर, और आपने मानसिक विकलांगता और ऑटिज्म के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, और ये मुझे आशा है कि शायद समाज में इसके बारे में जानकारी और बढ़ेगी। त्रिनयनी प्रेजेंस मुड़ मुड़ के ना देख।